हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज जो मेरा टॉपिक है वो अडेनियम से रिगार्डिंग है। मैंने कुछ दिन पहले अडेनियम ऑनलाइन मंगवाए थे। रोज़ी अडेनियम की ही वैरायटी है, तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और महंगा है, सस्ता है, जैसा भी है ज़रूर बताइएगा कैसा है। तो ये देखिए, ये है बॉक्स और बाहर से तो पैकिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। ये आया है हरियाणा से, एक यूट्यूबर ही हैं, उन्हीं से मैंने मंगाया है। पहले खोल लेते हैं क्योंकि कह तो वो रहे थे कि बहुत अच्छे प्लांट है, एक डेढ़ साल पुराने प्लांट्स हैं, मैच्योर प्लांट्स हैं, काफ़ी जल्दी रिजल्ट देंगे। चलिए फिर पहले खोल लेते हैं फिर बताते हैं। बहुत अच्छी हैं तो चलिए खोल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और जो पहला प्लांट है ये देखिए, प्लांट तो काफ़ी मैच्योर लग रहा है और एक ही ब्रांच है आई हुई है, ये देखें। और ये इस तरह का फ्लावर मैंने मंगवाया था, तो प्लांट तो काफ़ी अच्छा है, मजबूत, मतलब हेल्दी प्लांट है, ऐसा नहीं कह सकते कि अनहेल्दी है, प्लांट तो सही है। और दूसरा देखते हैं, हालांकि एक ही ब्रांच है। हाँ, ये है कि जब मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी तो कट कर दूँगी तब ब्रांचेस आएंगी, तो अभी तो फ़िलहाल एक ही ब्रांच है। और मैं खोल के दिखाती हूँ आपको सब। इसी में दूसरा रखा है तो ये भी ठीक है, ये देखिए। और इसमें दो ब्रांच है, छोटी छोटी सी हैं, ये देखिए, ठीक है, मतलब हेल्दी है, किसी भी तरह का कोई वो भी नहीं है कि रूट रॉट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो हेल्दी है। और सब पहले मैं खोल लेती हूँ। इसमें दो हैं टोटल, मैंने 6 प्लांट्स मंगवाए थे और दो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, दो ये हैं। प्लांट्स तो हेल्दी हैं, इसका जो कॉर्डेक्स भी है ये भी काफ़ी अच्छा है, अभी ये भी नहीं है कि हाँ कटिंग दे दिया हो, प्लांट काफ़ी अच्छा है, कटिंग वटिंग नहीं है। और इसमें भी एक ही ब्रांच है, बस यही है, बस दो ब्रांच होती तो ज़्यादा अच्छा था। और लेकिन प्लांट हेल्दी है, ये सर्वाइव हो जाएगा। हालांकि मेरे पास रोज़ी वैरायटी के और भी प्लांट्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, काफ़ी प्लांट है, लेकिन मैं इसका थोड़ा कलेक्शन बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि ये अडेनियम बढ़िया प्लांट है। इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है, ये ब्लैक सा है, मैंने उनसे मैसेज किया था तो उन्होंने कहा था ये जो मिट्टी का दाग है, लेकिन मिट्टी का तो दाग तो नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। और इसमें भी एक ही ब्रांच है, प्लांट सभी छो हेल्दी है, अच्छे हैं, जल्दी मतलब ग्रोथ पर आएंगे, जहाँ तक है अभी नहीं तो बरसात के बाद तो ये फ्लावरिंग करने ही लगेंगे। ये भी दोनों अच्छे हैं प्लांट, नो डाउट बहुत बढ़िया प्लांट हैं, लेकिन ब्रांच बस एक ही एक है। और वैसे भी ऑनलाइन जब हम मंगाते हैं प्लांट, एक ही एक ब्रांच अधिकतर होती है, हो कभी कभी दो ब्रांचेस निकल आती हैं, वैसे तो एक ही ब्रांच होती है। और इसमें भी देखिए कुछ है, ये देखिए ये है, और ये मेरे ख्याल से धूप की वजह से है, जो सन बर्न हो जाता है उसकी वजह से ये है, तो देखेंगे क्या होता है फिर। ये इतना नहीं है लेकिन ठीक है, प्लांट ठीक है, चल जाएंगे आराम से। तो इनको मैं फिर कल अडेनियम के सॉइल में और जब इसको शिफ्ट करूँगी तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लांट सभी अच्छे हैं, और ये 6 प्लांट मुझे 1100 के पड़े हैं, इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस भी हैं, और ठीक है, मुझे तो ठीक लगता है। हालांकि मैंने जितने भी ये मेरे आप देख रहे हैं अडेनियम के प्लांट्स, दो तो अभी देखा था आपने, और मेरे पास 10-12 और हैं जो सिंगल पेटल के हैं, तो वो मेरे लोकल ही नर्सरी से ख़रीदे हुए हैं, काफ़ी वो भी प्लांट अच्छे थे। और ये है कि ये जो है थोड़ा सा मुझे सस्ते पड़ गए हैं, वो मुझे 250-300 से, जो लोकल नर्सरी पे आप ख़रीदते हैं तो 250-300 से कम नहीं मिलते, लेकिन उसमें फ्लावर पक्का होता है कि हाँ यही फ्लावर, अगर फ्लावर खिला हुआ प्लांट आप लेते हैं तो।
अब इसमें है कि पता नहीं कौन सा क्या भेजा है। हालांकि फ्रॉड तो नहीं करते हैं ऑनलाइन वाले, क्योंकि अगर ऐसा करने लगेंगे तो फिर मंगाएगा कौन। बस यही प्लांट में थोड़ा सा लग रहा है, ये जो है कहीं यहीं से ना ख़राब होने लगे हैं। चलिए, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और बताइए कि मुझे ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ा है ये प्लांट, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ऑनलाइन शॉपिंग करी है प्लांट्स की, और मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने सब लोकल नर्सरी ही से प्लांट्स ख़रीदे हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।